बिहार तक, बिहार का नंबर वन YouTube चैनल। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में फ्लाइंग ब्रांच और परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन मांगा है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। IAF की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि afcat.cdac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस भर्ती में कितने पद हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, योग्यता क्या है, इन सारी बातों का जिक्र हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 317 सीटों को भरा जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब योग्यता की तरफ। नोटिफिकेशन के तहत फ्लाइंग ब्रांच में भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 20 साल से 24 साल होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में भर्ती के लिए 20 साल से 26 साल के बीच उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा फ्लाइंग ब्रांच भर्ती के लिए उम्मीदवार न्यूनतम 50% अंकों के साथ मैथ्स और फिजिक्स विषयों में कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी विषय में बैचलर की डिग्री भी होनी चाहिए। सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करें। एक और जरूरी बात, आवेदन शुल्क कितना लगेगा? कितने बार तो हम एप्लीकेशन फीस ही सुनकर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 250 रुपए देने होंगे। इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट ड्यूटी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सुनिए कि इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या है। IAF AFCAT रिक्रूटमेंट 2021 के लिए इसकी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें वेतन कितना मिलेगा। सारी मेहनत हम इसी के लिए तो कर रहे हैं, तो सुनिए। आवेदन करने व नियुक्त होने के बाद उम्मीदवारों को 56,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। चलिए अब चीजों को आपके लिए थोड़ा समराइज कर देते हैं। आवेदन की तारीख 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 12, 13 और 14 फरवरी है। afcat.cdac.in के जरिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं। तो बस अंतिम में बस इतना ही कहूंगी कि मौका है तो उठिए और कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और बिहार तक देखते रहें। बिहार तक आप देख रहे हैं बिल्कुल नए अंदाज में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार तक का ये नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है।